विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम लोग ऋणी या अरंड या कैस्टर सीड की संरचना का अध्ययन करेंगे। कैस्टर सीड, आप देखिए, ये जो कैस्टर सीड है ये भूरे रंग का बीज होता है और इसमें काले काले ये धब्बे दिखाई पड़ रहे हैं। कैस्टर सीड या ऋणी का जो बीज है इसके ऊपर एक आवरण है, यानी बीजावरण है, ये काफ़ी कड़ा होता है और काफ़ी चिकना होता है। नीचे की सतह से यह चपटा होता है और इसका ऊपरी सतह क्या होता है, ये कन्वेक्स होता है या उभरा हुआ सतह होता है। एक हिस्सा चौड़ा है और दूसरा हिस्सा थोड़ा नुकीला है। तो इसके नुकीले वाले हिस्से पर एक सफ़ेद सी मुलायम सी एक रचना दिखाई पड़ रही है जिसका नाम है बीज चोलक या कैरंकल, अंग्रेजी में कैरंकल कहते हैं। बीज चोलक या कैरंकल, यह मुलायम है, सफ़ेद है और स्पंजी है। यह जल को अवशोषित कर लेता है और यह बीज के अंकुरण में सहायता करता है। बीज चोलक को जब हटाते हैं तो ठीक इसके नीचे एक छिद्र पाया जाता है जिसे हम बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल कहते हैं। बीजांड द्वार चित्र में नहीं दिखाई पड़ रहा है क्योंकि यह बीज चोलक के द्वारा ढका है। और बीज चोलक के आधार पर एक दबी सी एक संरचना दिखाई पड़ती है जिसे हम कहते हैं हाइलम कहते हैं। हाइलम वह स्थान है जहाँ पर बीजांड वृंथ जुड़ा हुआ रहता है। तो बीजांड वृंथ ऐसी संरचना है जिसको अंग्रेजी में हम फिनिकल कहते हैं या फिनिकुलस भी कहते हैं। तो बीजांड वृंथ या फिनिकल हाइलम के साथ जुड़ा रहता है और उसी बीजांड वृंथ से जो बीज है, यानी जो बीजांड है, परिपक्व बीजांड ही तो बीज कहलाता है। तो बीजांड बीजांड वृंथ के माध्यम से पोषण प्राप्त करता है। तो वह स्थान और बीज परिपक्व होने के बाद बीजांड वृंथ यहाँ से हट जाता है, समाप्त अलग हो जाता है। तो अलग होने पर वहाँ पर एक गड्ढा सा दिखाई पड़ता है जिसे हम नाभिक कहते हैं या हाइलम कहते हैं। अब आप देखें कि हाइलम से लेकर के, यानी नाभिका से लेकर के इसके दूसरे सिरे तक आपको एक संरचना दिखाई पड़ती है। यहाँ पर एक संरचना दिखाई पड़ रही है, आप ये देख सकते हैं, इसको हम रैफी कहते हैं। तो ये रैफी एक संरचना है, तो ये दिखाई पड़ रही है। अब कैस्टर के बीज को हम पानी में डालते हैं तो जल्दी मुलायम नहीं होता क्योंकि इसका बीजावरण काफ़ी कड़ा होता है। बीजावरण को हटाने पर हमें भ्रूणपोष दिखाई पड़ता है, आप देख सकते हैं ये भ्रूणपोष है। अब इस भ्रूणपोष के चारों ओर एक पतली झिल्ली दिखाई पड़ती है जिसे हम पेरिस्पर्म या परिभ्रूणपोष कहते हैं। परिभ्रूणपोष या पेरिस्पर्म यह बचा हुआ न्यूक्लियस है वास्तव में। तो इस तरीके से पतली झिल्ली को हटाने पर और भ्रूणपोष को काट करके हटाने पर हमें इसके अंदर दो बीजपत्र दिखाई पड़ते हैं। ये दोनों बीजपत्र पेपर के जैसे होते हैं और उसमें स्पष्ट रूप से शिराएं देखी जा सकती हैं। तो बच्चों, ये दो बीजपत्र है, इसमें भोजन का संचय नहीं है, ये काफ़ी पतला है, पेपर की तरह है। भोजन का संचय भ्रूणपोष में होता है, भ्रूणपोष से भोजन लेकर के बीजपत्र यह मूलांकुर एवं प्रांकुर को सप्लाई करता है। मूलांकुर वृद्धि करके जड़ तंत्र बनाता है और प्रांकुर वृद्धि करके प्ररोह तंत्र बनाता है। इनको वृद्धि के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है और भोजन भ्रूणपोष में संचित रहता है। तो देखिए, भ्रूणपोष संचित है इसमें और इनसे लेकर के बीजपत्र भोजन को लेकर के मूलांकुर और प्रांकुर को प्रदान करता है। इस तरीके से ये संरचना है।
कैस्टर सीड का या अरंड के बीज का। अब हम लोग कैस्टर सीड को अंग्रेजी में समझने का प्रयास करेंगे। आप इस चित्र में देखें कि कैस्टर ऑयल सीड, जिसका वैज्ञानिक नाम है रिसिनस कम्युनिस, तो ये रिसिनस कम्युनिस है। देखिए, ये इसका वैज्ञानिक नाम है, यह रिसिनस इसके वंश का नाम है और कम्युनिस इसकी जाति का नाम है। तो वंश के नाम हमेशा बड़े अक्षर से लिखते हैं अंग्रेजी के, और जाति का नाम हमेशा छोटे अक्षर से, और इन दोनों के नीचे एक एक लाइन खींचा जाता है। तो एक लाइन इसके नीचे और एक लाइन इसके नीचे, तो रिसिनस कम्युनिस। तो रिसिनस कम्युनिस जो है, यह जो बीज है, यह रेग्मा एक प्रकार का फल है, रेग्मा में यह उत्पन्न होता है। तो जो रेग्मा फल है, इसमें यह बाद में तीन भागों में टूट जाता है, इनको कोकाई कहते हैं। और प्रत्येक कोकस में, विद्यार्थियों, हम अरंड के बीज को हम इंग्लिश में समझने का प्रयास करते हैं। अरंड के बीज को अंग्रेजी में हम कैस्टर ऑयल सीड कहते हैं, इसका वैज्ञानिक नाम है रिसिनस कम्युनिस। रिसिनस वंश का नाम है, कम्युनिस जाति का नाम है। वंश के नाम को अंग्रेजी के बड़े अक्षर से लिखते हैं और जाति के नाम को अंग्रेजी के छोटे अक्षर से लिखते हैं। अब इन दोनों शब्दों के नीचे एक एक लाइन खींची जाती है। कैस्टर ऑयल सीड जो है, यानी जो अरंड का जो बीज है, एक प्रकार के फल में उत्पन्न होता है। इस फल का नाम है रेग्मा। रेग्मा बाद में तीन कोकाई में फट जाते हैं, तीन गोली गोल संरचनाओं में फट जाते हैं, और प्रत्येक कोकस में एक बीज होता है। चलिए आप देखें, ये संरचना आपको दिखाई पड़ रही है, यह कैस्टर सीड है, यानी ब्राउन, डार्क ब्राउन कलर का है। इसमें डार्क ब्राउन कलर के इसमें पैचेस आपको दिखाई पड़ रहे हैं। और उसके बाद आप देखें एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, यानी बाहरी संरचना हम लोग देखें। बाहरी संरचना में इसका शेप है, सरफेस है और कलर है। तो शेप में ये ऑबलॉन्ग है, ये ऑबलॉन्ग मतलब ये चौड़ाई की अपेक्षा ये लंबा ज़्यादा है, तो ये ऑबलॉन्ग कहलाता है। और नैरो एट वन एंड है, एक तरफ पतला है, और ब्रॉड एट अनदर एंड, यानी दूसरी सिरे पर ये चौड़ा है, यानी नैरो है, पतला है, एक सिरे पर पतला है और दूसरे सिरे पर ये चौड़ा है, ब्रॉड है। और इसमें दो सतह हैं, दो सतह में आप देख सकते हैं कि इसमें वेंट्रल सतह है और डॉर्सल सतह है। तो जो अधर तल है, अधर तल ये फ्लैट है, चपटा है, और ऊपर का सतह कन्वेक्स है, यानी ये उभरा हुआ है। अब इसका रंग कैसा है, डार्क ब्राउन है, और इसका बीज का सतह जो है वो चिकना है, एकदम चमकता हुआ सतह है। अब हम लोग देखें, अब आगे इस संरचना में हम लोग ये देखें कि अब यानी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में हम लोगों ने क्या देखा, यानी कलर तक हम लोगों ने देखा था। अब आप देखें और उसके आगे समझने का प्रयास करें। ये देखिए, बीच की ये संरचना आपको दिखाई पड़ रही है, डार्क ब्राउन कलर का है, इसमें पैचेस आपको दिखाई पड़ रहे हैं। और इसके ऊपर देखिए, बीच के ऊपर एक संरचना है, सफ़ेद रंग का है, इसको हम कहते हैं कैरंकल। तो ये कैरंकल है, और कैरंकल के आधार पर हाइलम दिखाई पड़ रहा है, यानी हाइलम यानी नाभिका दिखाई पड़ती है, और इसी नाभिका पर फ्यूनिकुलस या बीजांड वृंत जुड़ा रहता है। कारंकल, जो कारंकल के नीचे, कारंकल को अगर आप हटाएंगे तो उसके नीचे आपको माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार दिखाई पड़ता है। अब देखिए, कारंकल की क्या विशेषता है, ये वाइट है, सफ़ेद रंग का, स्पॉन्जी है, ये स्पंज की तरह का है, और इसमें ये बाईलोब्ड है, यानी यह दो भागों में बटा हुआ दिखाई पड़ेगा। और उसके बाद यह कहाँ पाया जाएगा, तो यह इस बीज का जो नैरो हिस्सा है, यानी बीज का जो थोड़ा सा नुकीला हिस्सा है, वहीं पर यह कारंकल पाया जाता है। और इस कारंकल का दूसरा नाम है इलायोजोम भी कहते हैं। तो यह इलायोजोम ऑफ मस्टर्ड फैमिली,
यानी जो कैस्टर है, कैस्टर जो है यानी जो अरंड अरंड का जो बीज है, इसमें तेल चूँकि ज़्यादा होता है इसीलिए हम इसको कहते हैं इलायोजोम ऑफ मस्टर्ड फैमिली, यानी मस्टर्ड फैमिली का यह इलायोजोम है। और देखिए इसमें और क्या क्या होता है, इसमें रिच इन लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, इसमें लिपिड भी पाया जाता है और प्रोटीन भी पाया जाता है। और ये जो यानी करंकल की विशेषता है, और करंकल यानी एंड्स कैरी दीज सीड्स, जो चींटियां हैं इस बीज को ले जाती हैं और ये फीड द करंकल ऑफ देयर लार्वा, और अपने लार्वा को यानी चींटियां अपने लार्वा को करंकल को भोजन के रूप में इस्तेमाल करती हैं। इस तरीके से अब आप देखें, आगे देखें, इधर देखिए हाइलम की विशेषता है। हाइलम क्या होता है, ये डार्क स्केयर एट द बेस ऑफ करंकल, यानी करंकल के आधार पे एक एक गहरा धब्बा सा रचना है, यही कहलाता है हाइलम कहलाता है। इट इज़ पार्टली कवर्ड बाय करंकल, और ये थोड़ा सा ये यानी जो हाइलम है ये थोड़ा सा ये करंकल के द्वारा ढका हुआ रहता है। और यानी जो हाइलम है एट विच फिनिकल इज अटैच्ड, यानी जो हाइलम है हाइलम से क्या जुड़ा रहता है, फिनिकल जुड़ा रहता है या बीजांड ब्रिंथ जुड़ा रहता है। अब हम लोग कैस्टर ऑयल सीड के इंटरनल स्ट्रक्चर यानी आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे। कैस्टर सीड को यानी सीड को दो तरह से काटा गया है। एक तरह के काट में हमें देखिए ये पीले रंग के सफ़ेद रंग के दो कॉटिलेडन्स दिखाई पड़ रहे हैं, दो बीजपत्र दिखाई पड़ रहे हैं। और दूसरे रंग के काट में देखिए ये कॉटिलेडन चौड़ा दिखाई पड़ रहा है, एक ऊपर है और एक इसके ठीक नीचे है। इस तरीके से यानी सबसे बाहर जो है टेस्टा है, बीजावरण में सबसे बाहर टेस्टा है। टेस्टा जो कि बहुत मोटा है, आउटर है, बाहर की ओर है, और ये हार्ड है, बहुत ये कड़क है और ब्रिटिल है, और ये टूट जाता है, ये इसमें तनने की शक्ति नहीं होती है। और सामान्यतः बीज में दो आवरण, बीजावरण में दो आवरण होते हैं, टेस्टा और टेगमेन, तो इसमें टेगमेन स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ता है। अब टेस्टा के नीचे अब आप देखिए ये जो है ये संरचना है, ये है पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म क्या है, पेरिस्पर्म पतली झिल्ली की तरह है, और यह वास्तव में बचा हुआ न्यूसिलस है। इस तरीके से न्यूसिलस की क्या खासियत है, ये पतला है, सफ़ेद है, वाइट है, इनर है वो, यानी वो टेस्टा के अंदर है, पेपरी लेयर है यानी पतला पेपर की तरह है, और ये वास्तव में परसिस्टेंट न्यूसिलस है। परसिस्टेंट न्यूसिलस मतलब बचा हुआ जो न्यूसिलस है वो है। और इस पेरिस्पर्म में क्या क्या पाया जाता है, ऑयल और प्रोटीन। इस पेरिस्पर्म में ऑयल होते हैं, तेल होता है और प्रोटीन होता है। इस तरीके से आप कॉटिलेडन देख सकते हैं, दो कॉटिलेडन इसमें इस काट में चौड़ा दिखाई पड़ रहा है, एक उसके नीचे है, और इस काट में कॉटिलेडन दो का बीज पत्र खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। अब आप देखिए ये हिस्सा यानी ये करंकल है, करंकल है, करंकल के नीचे आप ये देखेंगे यहाँ पर ये हिस्सा जो है यह इसमें दो भाग हैं। करंकल की ओर जो है आप ये देख सकते हैं कि इसमें सूट अपेक्स है, सूट अपेक्स यहाँ पर ये पोर्शन सूट अपेक्स है, और ये जो है इपिकॉटिल है, इपिकॉटिल, और इपिकॉटिल के ऊपर क्या होगा यानी रेडिकल होगा। अब इस संरचना में हम लोग देखें बच्चों कि ये जो है ये सूट अपेक्स है, यानी सूट अपेक्स यानी प्लूम्यूल है, ये सूट अपेक्स सबसे ऊपर है, और उसके बाद है सूट अपेक्स के ठीक नीचे क्या है, एपिकॉटल है, और उसके बाद देखिए और यहाँ पे सबसे ऊपर रेडिकल है, यानी एक तरफ सूट अपेक्स है,
दूसरे किनारे पर रेडिकल है और इपिकॉटिल और हाइपोकॉटिल है। और इस तरीके से ये एक छोटा सा ये जो पूरी संरचना है ये एम्ब्रियोनिक एक्सिस कहलाता है या टाइजेलम कहलाता है। तो जैसा कि हम लोग चने के बीच में भी पढ़े हैं कि प्लूम्यूल है और रेडिकल है और इपिकॉटिल क्या कहलाता है, इपिकॉटिल जो है कॉटिलेडन्स जहाँ जुड़े रहते हैं वहाँ से सूट अपेक्स के बीच में यानी प्लूम्यूल के बीच का जो हिस्सा है वो इपिकॉटिल कहलाता है। इस तरीके से जो कॉटिलेडन नोड्यूल है यानी कॉटिलेडन नोड्यूल क्या है, जहाँ पे बीज पत्र या कॉटिलेडन जुड़े रहते हैं वहाँ से रेडिकल के बीच का हिस्सा हाइपोकॉटिल कहलाता है, बहुत छोटा है। तो इन सब को एक साथ हम एम्ब्रियोनिक एक्सिस या टाइजेलम कहते हैं। और लेकिन जो रेडिकल है ये रेडिकल इट लाइज आउटसाइड द कॉटिलेडन, तो कॉटिलेडन के बाहर जो है ये रेडिकल दिखाई पड़ता है। इस तरीके से जो कैस्टर ऑयल का जो सीड है इसकी इसकी खासियत क्या है, ये द्विबीजपत्री है यानी डाइकॉटिलेडनस है, ये पेरिस्पर्मिक है, पेरिस्पर्मिक का मतलब इसमें न्यूसिलस बचा हुआ है तो ये जिसको कि पेरिस्पर्म कहते हैं पेरिस्पर्मिक है। और तीसरी बात है कि यह एंडोस्पर्मिक है, इसमें एंडोस्पर्म भी पाया जाता है। इस तरीके से ये पूरी संरचना है